हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पलकिन एजुकेशनल डेस्क। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल पलकिन एजुकेशनल डेस्क। आई एम पलकिन चौधरी। टुडे आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक दैट इज वैदिक एजुकेशन और एजुकेशन इन वैदिक पीरियड। एजुकेशन इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड क्या होता है? वैदिक काल। और एजुकेशन का मतलब शिक्षा। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा कैसी थी वैदिक काल में। अब हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे, देन वन बाय वन इलेबोरेटली हम डिस्कस करेंगे बाद में कि वैदिक काल में शिक्षा कैसी थी। सो वी विल टेक क्वाइट इन्फॉर्मेशन अबाउट वैदिक एजुकेशन और एजुकेशन इन वैदिक पीरियड इन दिस वीडियो। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। वैदिक पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ इंडियाज कल्चरल ऑफ हेरिटेज। इट मीन्स वैदिक काल जो है वो भारत की सांस्कृतिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण काल है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज A history of this period is the torchlight of India's path of progress. इस काल का इतिहास भारत के प्रगति पथ की मशाल है। And our next third point is even today educational value and cultural ideals of Vedic period hold good and inspire Indian thinking. It means आज भी वैदिक काल के शैक्षिक मूल्य और सांस्कृतिक आदर्श भारतीय चिंतन को प्रभावित करते हैं। Next fourth point is Vedas occupy a very important place in Indian life. It means भारतीय जीवन में, Indian life मतलब भारतीय जीवन में वेदों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। Next fifth point is in the hierarchy of education, the Vedas are the first to be revealed, other being evolved from them. Hierarchy का मतलब है पदानुक्रम। It means शिक्षा के पदानुक्रम में वेदों को सबसे पहले प्रकट किया गया है जो उनसे विकसित हुए हैं। द बेसिस ऑफ इंडियन कल्चर लाइज इन द वेदास विच आर फोर इन नंबर। इंडियन कल्चर मीन्स भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का आधार वेदों में है जिनकी संख्या चार है। और वो चार कौन कौन से है? पहला है ऋग्वेदा, दूसरा है सामवेदा, तीसरा यजुर्वेदा और चौथा अथर्ववेदा। ऋग्वेदा इज द मिरर ऑफ एंशिएंट इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट मीन्स ऋग्वेदा प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। इंडियन कल्चर मतलब भारतीय संस्कृति एंड सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। ऋग्वेदा प्राचीन भारतीय संस्कृति और सभ्यता का दर्पण है। देन अवर नेक्स्ट पॉइंट इज द टर्म वेदा कम्स फ्रॉम द वर्बल रूट विद टू नो। इसका मतलब है वेद शब्द मौखिक मूल विद से आया है, जिसका मतलब होता है जानने के लिए। टू नो का मतलब है जानने के लिए। Thus, the etymological meaning of the term Veda is the knowledge of the ways and the means of achieving spiritual progress in life. Etymological meaning का मतलब है व्युक्तिगत अर्थ। इस प्रकार वेद शब्द का व्युक्तिगत अर्थ जीवन में अत्याध्मिक प्रगति प्राप्त करने के तरीके और साधनों का ज्ञान है। Then our next point is Therefore, the subject matter of Veda is Dharma and Brahma. Means, इसलिए वेद का विषय धर्म और ब्रह्मा है। Then our point number 9 is, Dharma is something which prevents us from going down and makes our welfare, progress and uplift around. धर्म एक ऐसी चीज है जो हमें नीचे जाने से रोकती है और हमारे कल्याण के प्रगति और उत्थान करती है। It is the fruit of performance of prescribed rites. It means यह निर्धारित संस्कारों के प्रदर्शन का फल है। The next point is Brahma on the other hand is considered as the cause of creation. It means दूसरी ओर, other hand मतलब दूसरी ओर ब्रह्मा को सृष्टि का कारण माना जाता है। Cause of creation मतलब ब्रह्मा को सृष्टि का कारण माना जाता है। Today we have discussed the introductory part of the Vedic education or you can say education in Vedic period. Later on one by one we will discuss elaborately this topic. I hope this video is helpful and informative for you all. If you grab some knowledge from this video and if you like this video, please make sure you hit the like button and subscribe to the channel and press the bell icon and share with your friends, family members. Thank you and take care. Please like, share, comment and subscribe to the channel. Thank you all.